हेलो गाइस, मैं विशाल मातो, भारत स्काउट गाइड, झारखंड जिला धनबाद से। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि गांधी जयंती के शुभ अवसर पर 2 अक्टूबर का दिन है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये आपको बताना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी के 171वें जन्मदिन के अवसर पर भारत स्काउट गाइड के द्वारा आपको ये बताया जा रहा है कि BP6 योगा कैसे होता है, क्या होता है, इसके बेनिफिट क्या है, फ़ायदे क्या हैं और कैसे करने चाहिए, ये आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए मेरे साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। लॉर्ड बेटन पावल यानी BP ने हमारे शरीर को स्वच्छ रखने के लिए 6 व्यायामों का आविष्कार किया। उन्होंने बताया कि 6 व्यायाम हम दिन में सुबह को खाली पैर और सुबह उठ के खाली पैर एक गिलास पानी पी के खुले वातावरण में ढीले ढाले कपड़े पहनकर करना चाहिए। और बेटन पावल जो कि भारत स्काउट गाइड के जन्मदाता भी हैं और उन्होंने हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये 6 व्यायाम का आविष्कार किया है। तो आइए सबसे पहले व्यायाम का फर्स्ट व्यायाम स्टार्ट। रेड थन BP6 योगा नंबर 1 पोजीशन। BP6 योगा नंबर 1 का पोजीशन ये है। इसको तुम लोग नहीं करना, पहले हम करते हैं। इसको जब भी स्टार्ट बोला जाए स्टार्ट करना है। हाथों को तब तक रगड़ना है जब तक हथेली गर्म ना हो। फिर इसको धीरे धीरे इसका सेक मुंह पे लेना है, मुंह पे पूरी तरह लेना है। फिर इसको पीछे से ऐसे करके जैसे लाना है और यहाँ लाना है। फिर पोजीशन जैसा था वैसे ही करना है। इसके फ़ायदे क्या हैं अगर हम इसको सुबह सुबह उठ के रोज करते हैं? इसके फ़ायदे क्या है कि हथेली गर्म होगी, पसलियाँ खून में तेज़ी आएगी, खून तो रुकेगा नहीं, खून ख़राब नहीं होगा। प्लस इसमें मुंह में पिंपल नहीं आएगा और चेहरे को फ्रेश रहेगा। सुबह के ताज़ी हवा मिलेगा आपको, आपको बहुत फ्रेश रहेगा, दिन आपका अच्छा जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पोजीशन स्टार्ट। हाथों को रगड़ना है तब तक रगड़ो जब तक मुंह गर्म ना हो। मुंह पे लिख दी, अच्छे से अच्छा फेंक लीजिए। फिर पीछे से लाना है, ऐसे करना है। जो पोजीशन था उसी में लाना है। फिर लीजिए करते रहिए कम से कम 3 बार, अधिक से अधिक 6 बार। BP ने बताया है कि ये योगा कम से कम 3 बार और अधिक से अधिक 6 बार करना चाहिए। थम वेट। अब BP6 योगा नंबर 2। BP6 योगा नंबर का 2 पहले हम करके दिखाते हैं, फिर आप लोग को करना है। BP6 योगा नंबर 2 का पोजीशन ये है। सावधान की स्थिति में दोनों हाथों को आगे लाना है, झुकना है, फिर धीरे धीरे सांस को लेते हुए उठना है और लास्ट में सांस को छोड़ना है, बोलना है थैंक। फिर वही पोजीशन में आना है, फिर वैसे ही करना है कम से कम 3 बार और अधिक से अधिक 6 बार करना है। तो इसके फायदे क्या हैं BP6 योगा नंबर 2? इसके फायदे हैं गला आपका फ्रेश हो जाएगा, छाती में जितना भी केमिकल है सब ठीक हो जाएगा, छाती का दर्द हटेगा, कमर का दर्द हटेगा और मुंह का एक्सरसाइज होगा, गले का एक्सरसाइज होगा। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। BP6 योगा नंबर 2 पहले आप थन। BP6 योगा नंबर 2 पोजिशन। तो स्टार्ट करना है इसको। स्टार्ट। अब BP6 योगा नंबर 3। योगा का जो है पोजीशन ये होता है, छाती के सीधे में दोनों हाथों को रखना है। उसके बाद सबसे पहले दाहिने की ओर ले जाना है हाथों को, जितना आप ले जा सको, कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको इतना ले जाना ही पड़ेगा, जितना आप कर सको। फिर इसको धीरे धीरे लाना है, सीधे में लाना है। उसके बाद फिर बाएँ जाना है, बाएँ से आके फिर सामने लाना है। ये आपका हो गया 1 बार, कम से कम 3 बार और अधिक से अधिक 6 बार आपको ये करना है। तो आइए करते हैं। रेड थन।
बीपी सिक्स योगा नंबर थ्री पोजिशन। चलिए इसके फायदे आपको बताता हूँ। इसका फायदे क्या है कि आपका ये कमर ठीक करेगा, कलेजों को ठीक करेगा, किडनियों को इसमें ठीक करेगा। अगर पथरी इससे नहीं होता, जो पथरी होता है ना, तो इसको आप डेली कीजिएगा तो पथरी नहीं होगा। और बहुत कुछ से रोग है जो होता नहीं है, जो नहीं होगा इससे इसको करने से। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट पहले दाने की ओर, धीरे धीरे सीधे लाना है, रुकना है, फिर बाएँ जाना है, फिर बाएँ से फिर दाएँ लाना है। ये आपका हो गया एक बार हो गया। तीन बार कीजिए, कम से कम तीन बार। जो हो गया अब तीन कीजिए। थम वैश्रम, उसके बाद बीपी सिक्स योगा नंबर फोर। इसका जो पोजीशन होता है ये सावधान की स्थिति में होता है, बीपी सिक्स योगा नंबर फोर। और आपको हथेली को कान में सटा के, दोनों हथेली को जोड़ के, पहले जोड़ना है हथेली को, जोड़ लीजिए, दोनों हाथों को कानों में सटा कर सीधा कीजिए। फिर इसको हथेली को आप देखिए, उसके बाद जब भी बोला जाए स्टार्ट, तो सबसे पहले दाहिने की ओर मुड़ना है और फिर झुक के झुकना है। सांस को हल्का हल्का लेते हुए, फिर सांस को छोड़ते हुए उठना है। उठ गए, फिर वैसे ही करना है दूसरा बार में, तीसरा बार में। जिसके फायदा, इसका फायदा कमर में आपका तकलीफ नहीं होगा, कमर में दर्द नहीं होगा, जोड़ों में दर्द नहीं होगा और बहुत से दर्द नहीं होगा। और चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। बीपी सिक्स योगा नंबर सिक्स पोजिशन, कानों में सटा के हथेलियों को इधर करना है और हथेली में देखना है। जब भी बोला जाएगा स्टार्ट, दाहिने मुड़ना है, दाहिने मुड़ के फिर झुकना। अब बोलेगा चलो स्टार्ट, दाहिने मुड़िए, सांस लेते हुए झुकिए, सांस छोड़िए, फिर सांस लेते हुए उठिए। ये हो गया एक, फिर सांस लेते हुए झुकिए, सांस छोड़िए, फिर सांस लेते हुए उठिए। कम से कम तीन, अधिक से अधिक छह। अब बीपी सिक्स योगा नंबर पाँच। बीपी सिक्स योगा नंबर पाँच ये सबसे अलग तरीका है कि बीपी सिक्स में पांचों बीपी सावधान की स्थिति में होता है। ये जो होता है लास्ट वाले बीपी, जो बीपी नंबर फाइव है, उसको विश्राम की स्थिति में करते हैं। विश्राम मतलब क्या, सावधानी रहेंगे। जब भी बोलेंगे पोजिशन, मतलब पहले सावधान करेंगे, फिर बोलेंगे जब भी बोलेंगे पोजिशन, तेरे को खोल देना है और जो पोजिशन है ये पोजीशन लेना है। पोजीशन ले लिए, उसके बाद जब भी बोला जाएगा स्टार्ट, थोड़ा पीछे झुकना है, ऊपर देखना है, फिर वैसे ही आइए, हाथों को खोलिए, धीरे 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 नीचे आइए, फिर हाथ जहाँ पर हो सके जमीन पर सटाइए। अगर सटता नहीं है तो कोई बात नहीं, जहाँ तक आप कंफर्टेबल हो वहीं तक कीजिए। फिर उसको धीरे धीरे उठते उठते फिर वही पोजीशन पर आ जाइए। फिर दूसरा में भी वही, तीसरा में भी वही, कम से कम तीन बार, अधिक से अधिक छः बार करना है। इसके फायदे में आपको बता दूँ, ये पैरों को जोड़ों को दर्द और पैरों को मजबूत बनाता है, जोड़ों को दर्द को नहीं होता है और जंग भी मजबूत होता है। और इससे क्या, रीढ़ की हड्डी भी हसली होता है, देखने का ताकत, आंखों का लेंस को सही करता है। और आइए वीडियो को शुरू करते हैं, योगा को शुरू करते हैं। तो बीपी सिक्स योगा नंबर पाँच, पोजिशन फिर खुला रहेगा, बीपी सिक्स योगा नंबर पाँच पोजिशन। उसके बाद जल्दी बढ़ जाएगा स्टार्ट करना है, पहले स्टार्ट झुकना है, फिर धीरे धीरे आना है, हाथों को खोलना है, धीरे धीरे जहाँ तक हो सके जमीन पे सटाना है, हटा लिए, फिर वही पोजिशन में उठिए और फिर ये अब दूसरी बार फिर से कीजिए, कम से कम तीन बार और अधिक से अधिक। सांसों को लेते हुए झुकिए, सांस छोड़िए, सांसों को लेते हुए। ये तो दो बार हो गया, और एक बार कीजिए कम से कम। अब बीपी सिक्स का अंतिम योगा, जो बीपी सिक्स का
छठा नंबर योगा, और ये थोड़ा मुश्किल है, जो इसको डेली करता है उसके लिए मुश्किल नहीं है। ये बीपी सिक्स योगा का पोजीशन सावधान स्थिति में रहना है, जब भी बोल जाएगा पोजीशन एड़ी को उठाना है, एड़ी को ऐसे उठाना है जहाँ तक एड़ी को जिंदगी खतरा नहीं है, एड़ी को उठाना है, कमर हाथ पर रहेगा, फिर जीप जब भी बोला जाएगा स्टार्ट, तो धीरे धीरे जहाँ तक हो सके, अगर आप बैठ नहीं पाते हैं तो यहीं तक कीजिए, अगर आप पूरा बैठ पाते हैं तो पूरा बैठिए, पूरा बैठ गए फिर धीरे धीरे उठिए, धीरे धीरे उठिए, धीरे धीरे आप उठ गए, बस हो गया। यही है बीपी सिक्स, ये थोड़ा हार्ड है, बहुत कोई इसको नहीं कर पाता है, लेकिन जो जिसका थोड़ा एज हो गया वो नहीं कर पाता है, जो नौजवान है वो आसानी से कर लेता है, लेकिन फिर भी जंग में दर्द होता है। इसके फायदे ये हैं कि ये जंग को मजबूत बनाता है, पैरों को मजबूत बनाता है, पैरों को मजबूत बनाता है, हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करता है। तो देखिए नंबर एक योगा, नंबर एक थन, देखिए नंबर एक योगा, नंबर एक पोजिशन, एड़ी को उठाना है, कमर हाथ से लगा सीधी, उसके बाद जब भी बोला जाएगा स्टार्ट, तब बैठना है फिर उठना है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट, धीरे धीरे बैठिए, जैसे आप बैठ पाते हैं आराम से, कमर को नहीं झुकाना है, खाली पेट को झुकाना है, फिर उसी आराम से जहाँ तक उठ पाए, जहाँ तक बैठ पाए उतना वहीं तक बैठे, तो इसमें घड़ी को जम भी नहीं करना, एक हो गया, ये भी कम से कम तीन बार और अभी तीन बार करना है, चल स्टार्ट। तो ये था हमारा बीपी सिक्स, महात्मा गांधी की जयंती पर हमने किया, भारत स्काउट गाइड झारखंड धनबाद जिला की ओर से मैं विशाल माथुर आप सबका शुक्रिया करता हूँ वीडियो देखने के लिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करना ना भूले, क्योंकि कमेंट कीजिएगा तभी हम लोग को पता चलेगा कि वीडियो कैसा बना है, और हम लोग को और जज्बा आएगा वीडियो बनाने, तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। बाकी मैं मर्यादापूर्वक ये प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं यथाशक्ति इस बार और अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करूँगा, दूसरों की सहायता करूँगा, स्काउट गाइड नियम का पालन करूँगा। चलिए अब वीडियो को समाप्त करते हैं।